जब वे जियादीन के बेस बनाकर देश से निकल रहे थे, उन्होंने अपना ये बेस बदला था सर, कि उनको कोई पहचान ना। धन्यवाद सर। ये श्री नारायण गुरु है, केरला में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया था और एक अपना संगठन बनाया था और लोगों को जागरूक किया था। तो उस समय की 1903 की तस्वीर है उस संगठन में। अपने गरम दल के नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए अपना हक मांगते थे, तो अंग्रेज उनको मारकर ऐसे पेड़ों पर फांसी के लिए लटका देते थे। उस समय के अत्याचारों की तस्वीर भी यहाँ करती है। ये कस्तूरबा गांधी जी अपनी साथी महिलाओं के साथ खड़ी है। इन्होंने अपनी महिलाओं को पुलिस वालों के अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ एक संगठन बनाया था और अब जागरूक करते समय उस समय की तस्वीर है। ये मोहम्मद अली जिन्ना है, 1940 की लाहौर में तस्वीर है जिन्होंने मुस्लिम लीग की। हाँ जी, हम इस बारे में सोच रहे हैं कि आगे, अभी तो मतलब हमारा फर्स्ट वो था, ये फर्स्ट एफर्ट था, तो आगे जब हम ये लगाएंगे तो हाईटेक तरीके से, जैसे पावर पॉइंट होता है, प्रोजेक्टर होता है, तो उसके माध्यम से हम इसके बारे में सोचेंगे। कितने लोगों में इसको देखने में दिलचस्पी रही? काफ़ी लोग आए, बाहर से डिपार्टमेंट से आए, कॉलेजेस से आए, और कुछ लोकल लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आए। काफ़ी अच्छा रहा ये प्रयास हमारा। उनमें चांदनी चौक का इनकी पिक्चर्स है सर, और ये उस टाइम मतलब दिल्ली की घेराबंदी के 1857 की उस समय की पिक्चर्स है सर। और ये सर, ये सैनिकों को मतलब ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी, उनकी पिक्चर्स है सर। और ये सर 1857 की क्रांति के मेन कारण जो इनफील्ड राइफल थी, उनके पिक्चर्स है सर, जिसपे मतलब 1857 की क्रांति का मेन कारण सर। ये सर हरियाणा का, हाँ जी हरियाणा का, ब्रिटिश रूल के अंडर ये सर ये डिस्ट्रिक्ट है और ये रियासतें हैं सर। इसके विलेज और मेल पॉपुलेशन कितनी थी और पर्सन मेल्स? हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है आपके से जुड़ के कि हम लोग धन्य हो गए। सही है, हम लोग को भी काम करने में अच्छा लग रहा है। चलो आगे भी पास आते जैसे कि इकोनॉमिक्स है या जो भी है, सब हर ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें इतिहास ना पढ़ा जाए। हर विषय में इतिहास ही पढ़ा जाता है। और आजकल जैसे कि कोई मीटिंग होती है या कुछ भी है, उसमें सबसे पहले इतिहास को दोहराया जाता है, चाहे वो कोई मुकदमा हो या कुछ, में सब में इतिहास की इम्पोर्टेंस है। और इतिहास एक ऐसा विषय है जो जिसका संबंध अतीत से लेकर वर्तमान तक बना रहता है। और आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने समय दिया और अपना जो हुनर है, गुण है, प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। और प्रोग्राम को सक्सेस करने में आपकी बहुत अच्छी भूमिका थी, एक बार फिर धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि पन्नों में या बंद किताबों के तौर पर देखते हैं, उसका प्रभाव सीमित भी रहता है और वो वहीं तक रहता है जो उसको अध्ययन के दायरे पर लेता है। जो शिक्षा है उसका उद्देश्य केवल आत्मसात करना नहीं, बल्कि उसका सामाजिक उपयोग भी होता है। और प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि जो चित्र हैं वो शब्दों की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को या समाज के लोगों को ये जानकारी मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि हमारी आज़ादी कितनी मेहनत के बाद प्राप्त हुई, किस तरह के संघर्ष हुए, किस तरह का त्याग और बलिदान हमारे इन पूर्वजों ने किया, और जब इन्होंने किया और उसके बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, 7 दशक की स्वतंत्रता हमें मिल गई है या हम जी चुके हैं, तो उस पर किसी तरह का खतरा ना हो और जो उन लोगों ने मेहनत की हम उनके उत्तराधिकारी और उनके वंशज बनकर इसके संरक्षण हेतु काम करें और साथ में हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कॉन्फ्रेंस सेकंड गोलमेन सम्मेलन हुआ था, अब तक 3 गोलमेन सम्मेलन हुआ है, गांधी जी ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। ये लंदन में हुआ था और ये यहाँ पे गांधी जी, ये गांधी जी को यहाँ लंदन में सिक्योरिटी मिल रही है और ये यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये जब पुलिस अत्याचार वगैरह करते थे तो ऐसे करके ये सभी इकट्ठे हो जाते थे कि हम नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी कर लो,
मतलब हिस्सा नहीं करते थे लेकिन ऐसे गुट बना के खड़े हो जाते थे कि कोई अपनी सेफ्टी के। ये सर नमक सत्याग्रह से थोड़े टाइम पहले की है, एक कट्टा से बता रहे हैं कि हम इसमें कट्टा भर के लाएंगे नमक का और नमक कानून तोड़ देंगे। 1929 की है जिसमें गांधी जी मजदूरों के लिए संगठन पर बैठे हुए हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये 1940 की है जिसमें गांधी जी बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और भीड़ ने देखने के लिए उभरी थी यहाँ पर। इसमें गोपाल कृष्ण खोगड़े मतलब साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, ये गोपाल कृष्ण खोगड़े हैं ये वाले, इसमें गांधी जी इनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी 1980 ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के दर्पण में महात्मा गांधी का नेशनल कांग्रेस की सभा चल रही है उसमें ये गांधी जी 1893 इन्होंने इंडियन ये गांधी जी 1895 में। जो प्रदर्शनी लगाई गई है ये प्रमुख तौर पर 1857 के बाद जो भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चला आज़ादी के लिए, जो भारत का एक स्वर्णिम दौर रहा है 1947 तक के, उस दौर के सजीव चित्रण यहाँ लगाए गए हैं ताकि विद्यार्थी जो पुस्तकों में बहुत कुछ छूट जाता है सिर्फ शब्दों के सहारे उन चीज़ों को उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, उन परिस्थितियों को और अधिक समझने के लिए इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इनसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। जिस तरह यहाँ पर 1857 का एक सेक्शन लगाया गया है, देखा जा सकता है कि वहाँ पर किस प्रकार क्रांतिकारियों को मारा जा रहा था, उनके साथ कितनी दुर्दशा है। वहाँ पर बहादुर शाह जफर के अंतिम दिनों का एक चित्र लगाया गया है। उसके बाद गांधी जी के बारे में बताया गया, जो मेरे पीछे यहाँ चित्र है ये गांधी जी का 1940 में जब शांति निकेतन के तब का चित्र है। नीचे बोर युद्ध का चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर जियाउद्दीन बरनी के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगा हुआ है जब वो घर से निकले थे जर्मनी जापान रूस से सहायता लेने के लिए। तो इन चित्रों के माध्यम से विद्यार्थी इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसका उद्देश्य भी यही है सर। बतौर इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे कई बार लगता है कि जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया होती है, जिन लोगों को इतिहास के प्राथमिक स्रोतों का ज्ञान नहीं होता वो उन लोगों का प्रचार कर देते हैं। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह, उन्होंने कभी एक बात कही थी कि व्यक्ति अगर एक झूठ को 100 बार अच्छे तरीके से बोले तो वो सच दिखने लगता है। और यही आज इतिहास के साथ हो रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझे कई बार यूँ लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है कि हम इतिहास को सही रूप से समाज के सामने प्रदर्शित करें। आप व्हाट्सएप की आई हुई चीज़ों पर यकीन करना कम कीजिए, या तो वो आधिकारिक तौर पर कोई अच्छे स्रोत से आई हो, या आप जो राइटर्स हैं जो अच्छे अच्छे विद्वान लेखक हैं आप उनकी पुस्तकों से रेफरेंसेज लेना प्रारंभ कीजिए, तब जाकर आपको इतिहास की सही व्याख्या का पता चलेगा। किताबों के इतिहास को पढ़ना शुरू कीजिए। सेना तैयार की थी सिंगापुर में जाकर, और उसके बाद जब बारिश होने लगी तो इनको मतलब भी बारिश के कारण इनको थोड़ी तकलीफ हुई, जिसके कारण इनको मतलब भी वहीं बाइंड अप करना पड़ा, मतलब भी आगे चलता रहा उसको। और ये सवेर जवाहरलाल नेहरू है जब संविधान सिग्नेचर कर रहे हैं, जब संविधान बनकर तैयार करता है 26 नवंबर 1949 को, और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। सर एक ये भी है सर, यहाँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल में जहाँ भगत सिंह वोकेशन दत्त को अप्रैल 1929 को बंदी बनाकर रखा गया था, और बाद में येलो फोर्ट है जहाँ पर 1927 को भगत सिंह को उपयुक्त के रूप में रखा गया था। ये चंद्रशेखर आज़ाद है, जब इनको मतलब इनका लास्ट समय था, जब इनको इनकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि ये उठने के लायक भी नहीं लास्ट।